हेलो दोस्तों, आरबीआई अनुसार अब लिखे हुए 500 और 2000 रुपए के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकती बैंक। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। अब कोई भी बैंक 500 रुपए और 2000 रुपए के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता जिन पर कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ऐसे नोटों को बदलवा नहीं सकते, लेकिन उन लिखे हुए 500 और 2000 रुपए के नोटों को अपने पर्सनल यानी अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कर सकते हैं। आरबीआई के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सम्मेलन में आए हुए लोगों को जागरूक करते हुए यह घोषणा कर दी। इस सम्मेलन में आरबीआई ने नोटों के फीचर के बारे में सम्मेलन में लोगों को आरबीआई के प्रति साक्षर किया जा रहा है, साथ में डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में शामिल लोगों ने सवाल पेश किए, जैसे 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों की वैधता, बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए तरीके, 10 रुपये के सिक्कों की वैधता, 500 और 2000 रुपये के नोटों पर कुछ लिखा होने की स्थिति में उनकी वैधता पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में लोगों ने सवाल पेश किए। इस सवाल पर आरबीआई ने स्पष्ट किया कि नोट पर कुछ लिखा होने या रंग लग जाने की स्थिति में भी वह नोट वैध है, बैंक उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकते। साथ में उन्होंने कहा कि हालांकि ग्राहक ऐसे नोटों को बैंक में बदलवा नहीं सकते, लेकिन ऐसे नोटों को अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कर सकती है। आरबीआई के अधिकारियों ने नोटों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 500 और 2000 रुपये और 200 रुपये के नोटों पर 17 फीचर है, जबकि 50 रुपये के नोट पर 14 फीचर है। उन्होंने कहा कि लोग हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं कि दुकानदार 10 रुपये के सिक्के नहीं ले रहे हैं। इस पर आरबीआई के अधिकारियों ने कहा कि 10 रुपये के सिक्के मान्य है, ये सब जगह वैध है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।